कितनी पुरानी दुकान अपनी है? 130 साल। 130 साल पुरानी है। सर हमारी जो शॉप है उसको मोर देन 72 इयर्स हो गए हैं चांदनी चौक में। अच्छा, ये मेरे दादाजी ने शुरू किया था काम, जापानी समोसे के नाम से समोसे शुरू किए थे। मैं थर्ड जनरेशन अपनी दुकान पे, आज मैं सेवन जनरेशन। सेवन जनरेशन, अच्छा। तकरीबन कितने साल हो गए? 120 ऊपर है। 120 साल से ऊपर है। तो भैया थोड़ा बताइए कब से है ये फूड जॉइंट आपका? 80 साल से। 80 साल से। ये हमारे बच्चों के बाबा लगाते थे, कभी 3 पीढ़ी हो गई। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आपको लेकर आए हैं चांदनी चौक, और आज की अपनी फूड वॉक में हम कवर करने वाले हैं चांदनी चौक का ऐसा जायका जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। भाई पुरानी दिल्ली की इन गलियों में ऐसा स्वाद छिपा हुआ है, देसी हो या विदेशी हर कोई यहाँ के खाने का दीवाना है। दोस्तों इस तपती हुई गर्मी में आज हम अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं चांदनी चौक के ऐसे फेमस फूड जॉइंट्स इससे पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप भी आखिर में बोलेंगे वाह भाई मज़ा आ गया। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका दिल्ली के दिल चांदनी चौक में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आइए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। तो दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं भागीरथ पैलेस इलेक्ट्रिकल मार्केट के बिल्कुल सामने, और इसी के अंदर बहुत ही फेमस है 7 मटके वाले गुप्ता जी, उनकी चाट बहुत फेमस है। चलिए सबसे पहले उनके हम चाट ट्राई करने वाले हैं, ऐसा क्या खास है कि लोग दूर दूर से आते हैं उनकी चाट खाने के लिए। और सामने देखते हैं ये पिपलेश्वर मंदिर है, उसी के जस्ट सामने लगती है जी यहाँ पर 7 मटकों वाली ये चाट। तो हम चाट अभी बनवाएंगे अपने लिए। ये भैया गुप्ता जी कांजी बड़े वाले। अच्छा, ये हमारे बच्चों के बाबा लगाते थे, कभी 3 पीढ़ी हो गई। अच्छा, 3 पीढ़ी हो गई। हाँ, कितने साल हो गए तकरीबन? तकरीबन 60-62 साल हो रहे हैं। अच्छा, तो जब से लगा रहे हैं ये चाट हमारे पास भैया, अपना कांजी बड़ा जी, कांजी बड़ा, दही बड़ा, अच्छा, पापड़ी चाट, कलमी बड़ा, और पीछे कलमी बड़े हैं, चने की दाल के कुरकुरे कलमी बड़े। तो ये मटकों में ही रखते हैं आप? हाँ बाबू जी, मटकों में ही है। ये बाबू जी मटकों के अंदर एकदम शीतल और ठंडे स्वच्छ रहते हैं, मट्टी के मटके में। बल्ला पापड़ी 70 रुपये है, बल्ला पापड़ी 70 रुपये की है, और कांजी बड़ा 60 रुपये, 60 रुपये का ग्लास है, 4 पीस होते हैं। हमें लगा दीजिए एक प्लेट दही भल्ले की और एक ग्लास कांजी बड़े। अब लगने जा रही है जी ये बल्ला पापड़ी। इसके अंदर डाल दिया आपने दही में? भैया दही में डाल दिया। हाँ, कितने भल्ले होते हैं एक प्लेट में? एक प्लेट में भल्ला और एक और पापड़ी 4। भैया पापड़ी भी आपने इसमें डिप कर दी है? हाँ। ये क्या आ गए? ये कचालू है सर। कचालू? हाँ। आलू छोले? हाँ। तो किस तरह की यादें जुड़ी हुई है दिल्ली के अंदर आप? हाँ बाबा जी, पुरानी यादें हैं इसमें चाट की। अच्छा, जो जायका पहले मिलता था चांदनी चौक का, चांदनी चौक की चाट इतनी फेमस है क्या? हाँ। आज भी वही बरकरार है? आज भी बरकरार? हाँ बाबा जी, आज भी वही बरकरार है। आप खा के देखो और ग्राहकों से पूछ भी सकते हो तो जायका कैसा है। तो जी ये आ गई है हमारी चांदनी चौक की बहुत ही फेमस दही भल्ले पापड़ी चाट। तो आपको भी लग रहा है कि आपको भी ये ट्राई करनी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दही भल्ले चाट खाने के बाद अब बारी है कांजी वड़े की। कांजी वड़े के बारे में कहा जाता है कि डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, और ये बनता है राई का पानी होता है और ये वड़े होते हैं इसके अंदर। भाई कुछ तो बात है चांदनी चौक की चाट में, यूँ ही नहीं ये दुनिया भर में फेमस है। कितने वड़े होते हैं इसके अंदर? 4 वड़े और इसकी कीमत है 60 रुपये। और ये देख सकते हैं आप लाजवाब पानी। वाह जी वाह,
इसको पियो, गर्मी दूर भगाओ और पेट को भी ठीक करो। ये आगे जी हमारे कांजी वड़े, ये वड़े होते हैं मूंग की दाल के होते हैं शायद ये, और ये होता है इसके अंदर राई का पानी। इस गिलास की कीमत है 60 रुपये, और जो हमने दही भले पापड़ी चाट खाया था उसकी कीमत थी 70 रुपये। क्या खाया आपने अभी और कैसा लगा आपको? पापड़ी दही भले, भले पापड़ी। मैं तो हर हफ्ते आता हूँ जी, हर हफ्ते 15 साल से आ रहा हूँ, हर हफ्ते आता हूँ। अच्छा जी, क्या खास लगता है आपको यहाँ चाट? मार्केट का मजा ही अलग है, बहुत पुराने आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपने क्या खाया? मैंने भाई कांजी वड़े खाए, ये दही वड़े। अच्छा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम खाया है? फर्स्ट टाइम नहीं खाया, ये हम तो जमुना पार से आके हर बार ही खाते हैं जी। हर बार ही खाते हैं? हर बार ही खाते हैं, स्पेशली खाने आते हैं जी। अच्छा, मैंने बल्ला पापड़ी खाया भाई, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, 12 साल से मैं मार्केट में हूँ। अच्छा। और अंकल जी का टेस्ट वही है बिल्कुल, कुछ भी नहीं बदला, बहुत बढ़िया। ये चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई, जो भी आपके जो ज़्यादातर कस्टमर हैं वो पुराने वाले ही आज भी बरकरार हैं, जो स्वाद आपने बरकरार कर रखा है उसी की वजह से आज भी वही पुराने कस्टमर आपके पास आ रहे हैं। वही है जी, जब या तो क्वालिटी दे दो या अपना ध्यान रख लो मेंटेनेंस अपनी आइटम पे, बढ़िया बनाओ बढ़िया खिलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई। अगर आपको चांदनी चौक का फूड एक्सप्लोर करना है तो ऐसी गलियों से गुजरना आम बात है। बड़ी ही पुरानी गली लग रही है ये, आ जाइए पीछे पीछे मेरे साथ। और यही तो खासियत है चांदनी चौक की कि भाई इसमें ऐसी ऐसी गलियां हैं पुरानी, 100 साल 200 साल 300 साल पुरानी, और आज भी वो यूं ही की यूं ही मेंटेन है। अब बारी है, हम आपको खिलाने वाले हैं जापानी समोसे, चांदनी चौक में ही मिलेंगे, तो देखते हैं कैसा उसका स्वाद है या ओवर हाइप्ड है। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मनोहर ढाबा, यहाँ पर मिलते हैं जापानी समोसे। आप देख सकते हैं बहुत ही पुरानी शॉप है ये, सिंस 1949। चलिए भैया से मिलते हैं और मुलाकात करते हैं और पूछते हैं इस जापानी समोसे के पीछे की कहानी। बाकी सब कुछ भी मिलता है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोले भटूरे बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर भटूरे तले जा रहे हैं। भैया से पूछते हैं, भैया जापानी समोसे इंडिया के अंदर ऐसा क्या है, मतलब इसका नाम जापानी समोसे कैसे पड़ा? सर हमारी जो शॉप है उसको मोर देन 72 ईयर्स हो गए हैं चांदनी चौक में। अच्छा। ये मेरे दादाजी ने शुरू किया था काम, जापानी समोसे के नाम से समोसे शुरू किए थे, मैं 3rd जनरेशन अपनी दुकान पे। अच्छा। तो उस समय क्या आइडिया था उनके दिमाग में, क्या सोच के उन्होंने शुरू करा, ये चीज तो मैं नहीं जानता हूँ, पर जहाँ तक मैं इमेजिन कर सकता हूँ ये है समोसे। अच्छा, ये हैं जी अपने जापानी समोसे, क्या बात है, ये देख, बड़े टेम्पटिंग। ये देखो ये जी एक फ्लावर की शेप है, एक जापानीज फ्लावर है। अच्छा। एक ये जापानीज फ्लावर की शेप है इसमें। अच्छा, इसीलिए नाम इसका जापानी समोसे रखा है। मेरे को ऐसा मालूम नहीं है पर मेरे को ऐसा लगता है। कब से आप यहाँ पे सर्व कर रही है? सर हमें मोर देन 72 ईयर्स हो गए, मोर देन 72 ईयर्स मार्केट में। अच्छा, इसके साथ किसके साथ सर्व किया जाता है ये? इसको हम छोले चटनी के साथ सर्व करते हैं, पिंडी छोलों के साथ सर्व करते हैं। ये हमारे पिंडी छोले हैं, क्या बात, देखिए आप, ये घी मसाले वाले छोले हैं, इसमें ना लहसुन है ना प्याज है, क्या बात है। बहुत कुछ और भी आइटम मिलता है आपके यहाँ? नान पराठे मिलते हैं, मलाई चाप मिलती है, पनीर टिक्का मिलता है, बहुत कुछ मिलता है मेरे पास। तो मैं सिर्फ आज आया हूँ आपके पास जापानी समोसे ट्राई करने, तो हमारी प्लेट लगवा दीजिए जापानी समोसे की। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए ये छोले हमारे पकते हैं कोयलों पर, कच्चे कोयले की आँच पर हमारे छोले पकते हैं, पिंडी छोले, आप खा के देखिए। बहुत चलिए जी हम आ गए हैं खाने, इसका प्राइस और बता दीजिए। सर ये 40 रुपीज़ की प्लेट है। अच्छा। 40 रुपीज़ में आपको छोले चटनी और प्याज देते हैं, साथ में दो जापानी समोसे। तो जी ये लगने जा रहे हैं हमारे जापानी समोसे की प्लेट, भैया ने साथ में छोले डाल दिए, आप दिखाइए इधर छोले, ये ना जो भटूरे वाले छोले होते हैं उनके साथ सर्व किया जाता है। ये पिंडी छोले हैं सर, पिंडी छोले, ऊपर से डाल दी हरी चटनी और प्याज। और ये आगे जी अपने फ्लावर शेप में जापानी समोसे, ऐसा भैया का कहना है कि ये कोई जापानीज फ्लावर है, उसी के तरह ये दिखते हैं, तो इसलिए इनका नाम शायद भैया को कंफर्म नहीं है आप, है ना? इसमें 60 लेयर्स होती हैं, आप देखिए कितनी बारीक बारीक लेयर्स हैं, 31 तरफ 31 तरफ, इसमें 60 बारीक लेयर्स होती हैं जो इसकी क्रिस्पनेस बढ़ाती हैं। मतलब किस तरह से बनाया जाता है ये, मतलब ये डीप फ्राइड आइटम है, डीप फ्राइड, ये बेक्ड आइटम नहीं है, डीप फ्राइड आइटम है, ये टिपिकल समोसा है। अंदर भी कुछ फिलिंग है इसके? आलू की स्टफिंग है, इसको बनाया समोसे की तरह ही जाता है, इसलिए हम इसको समोसा कहते हैं। जी जी।
मतलब इसमें मतलब किस तरह से खाया जाता है, तो इसको ब्रेक करके मतलब मिक्स करके खाया जाता है? हाँ, आप इसको तोड़ के खाइए, इसकी लेयर्स अलग हो जाएंगी। अच्छा। छोलों के साथ प्याज चटनी का खाइए आप। चलिए जी, आगे जी आप देख सकते हैं भिंडी छोले के साथ, हरी चटनी के साथ हमने ये जापानी समोसे। आप इसको ओपन करके दिखाएंगे तो इसमें ये आलू की स्टफिंग है, क्या बात है इस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी हैं भाई, अभी देख सकते हैं इस लेयर के अंदर आलू हैं, ऊपर से डाले हैं हमने ये भिंडी छोले। बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो दोस्तों ये तो थे मनोहर ढाबा के बहुत ही फेमस जापानी समोसे, तो मुझे तो बड़े अच्छे लगे भाई, स्वाद यूनिक है इनका। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो नॉर्मल यूजुअली हमने समोसे खाए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। बहुत ही क्रिस्पीनेस है इनके अंदर, बहुत स्वाद है, एक बार ट्राई करना ज़रूर बनता है। दोस्तों अब हम इस समय खड़े हैं टाउन हॉल के सामने, और यही वह चौक है जिसकी वजह से इस चांदनी चौक का नाम चांदनी चौक पड़ा, ऐसा हिस्ट्री में कहा जाता है। और इतनी गर्मी है तो भाई क्यों ना वेद प्रकाश जी का लेमनेड पिया जाए। तो अब हम आ चुके हैं वेद प्रकाश लेमन वाले के पास, बहुत गर्मी है तो लेमन पीना तो बनता है एक बार। और ऊपर लेमन बनाए जाते हैं और इस तरह से सर्व किया जाता है यहाँ पर। और ये आगे जी हमारा लेमन का ग्लास, वेद प्रकाश जी लेमन वाले। भाई इतनी गर्मी है, इसे बोलते हैं सुकून, इसे पीकर सच में ही इतनी गर्मी है, सुकून मिल गया इसे पीकर। तो भाई अगर आप आते हैं इधर टाउन हॉल के सामने ही है वेद प्रकाश जी लेमन वाले, और लेमन तो लेमन ही होता है भाई, मुझे नहीं लगता कि भाई आप कहीं भी पियेंगे तो शायद स्वाद एक जैसा ही होगा। कितना पुराना है आपका ये? आज मैं सेवन जनरेशन। सेवन जनरेशन, अच्छा। तकरीबन कितने साल हो गए? 120 से ऊपर है। 120 साल से ऊपर है। लेमन थोड़ा चलता रहा, कुछ चेंज किया है? वही है, सब मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, सब उन्हीं की मेहनत है भाई। अरे वाह क्या बात है। ये लेमन है घर पे ले जाने के लिए 10 रुपए, और ये 10-40 बॉटल है, ये 15 रुपए के प्लेट। अब हम आ चुके हैं मामा जी के फेमस मटर कुलचे, ये भी एक पुराना फूड जॉइंट है। आ जाइए मेरे साथ, खाते हैं यहाँ के छोले कुलचे। यहाँ पर देखिए आप मटर कुलचे बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर मटर हैं और ये हैं जी कुलचे, साथ में दी जाती है सलाद। भैया थोड़ा बताइए कब से है ये फूड जॉइंट आपका? 80 साल से। 80 साल से। इसका नाम मामा जी के मटर कुलचे क्यों है? ये हमारे दादाजी का नाम था। दादाजी का नाम था? हाँ जी। ये दादाजी के नाम कोई आगे बढ़ा रहे हैं मामा जी के मटर कुलचे। ये आगे जी हमारे दो कुलचे, और ये पत्ते पे सर्व किए जाते हैं। इस प्लेट की कीमत है 40 रुपये। भाई मैं एक बात कहना चाहूँगी इन छोले कुलचों के बारे में या मटर कुलचों के बारे में, ये जितने भी मैंने आज तक मटर कुलचे खाए हैं उन सबसे यूनिक टेस्ट है इनका, और ये आपको ट्राई करने पर ही पता चलेगा कि कैसा यूनिक टेस्ट है और स्वाद अच्छा है, एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। अब जैसे ही टाउन हॉल की तरफ एंटर करेंगे नई सड़क की तरफ, तो जस्ट एंट्री पर ही आपको ये पॉइंट मिल जाएगा मामा छोले कुलचे। तो जी अब हम जो कुलिया चाट है बहुत ही फेमस है उसको ढूंढते ढूंढते आ चुके हैं लोहे वाली गली में। तो भैया कुलिया चाट वाले लो जी, इनका कहना है इधर बैठते हैं, चलिए ढूंढते हैं। तो इसे ढूंढते ढूंढते भैया को हम आ चुके हैं भैया जी के पास, इसका एड्रेस बता दीजिए भैया। चावड़ी यार गली लोहे वाली मेट्रो स्टेशन के पास। दुकान का नाम क्या है? हीरा लाल चाट कॉर्नर। हीरा लाल चाट कॉर्नर लोहे वाली गली चावड़ी बाजार, सही बताया मैंने? बिल्कुल। तो हमारे लिए लगा दीजिए कुलिया चाट। तो ये बनने जा रही है अपनी कुलिया चाट। चाट की कितनी पुरानी दुकान अपनी है? 130 साल। 130 साल पुरानी है। ये तो आम है। ये आम, ये खरबूजा। खरबूजा
तो कैसे शुरुआत हुई इसकी पुलिया चाट की? बस बैठा बैठा आइडिया आया था, आलू में चने अनार भरा। अच्छा, जब से पुलिया चाट फेमस हो गई। ये जो दुकान है आपकी 130 साल पुरानी बता रहे हैं आप, और ये चाट कितनी पुरानी है पुलिया चाट? पुलिया चाट तो अभी आई है। ये अभी आई है? 30-35 साल हो गए। 30-35 साल से लोग खाते हैं इसे? हाँ जी। गर्म मसाले हैं इसके अंदर, ये 8 पीस होते हैं सीजन के हिसाब से। ठीक है जी, सीजनल फ्रूट आप चेंज करते रहते हैं? हाँ जी। ये डाल दें ऊपर से नींबू और नींबू होते हैं बारीक वाले, तो ये चने होते हैं। मोटे क्या कह रहे थे आप? कह रहे ये चने हर जगह मिलते भी नहीं है। अच्छा, ये बारीक वाले? हाँ, नहीं तो कहीं भी चले जाओ मोटे चने मिलेंगे। ऊपर से डाल दिए अनार। ये पुलिया चाट बनकर तैयार है। इसकी कीमत क्या है? 100 रुपये। 100 रुपये? हाँ, और 4 पीस लोगे 50 रुपये। 4 पीस लेंगे तो 50 रुपये, और 2 पीस लोगे तो 30 रुपये, वो पीस के हिसाब से। ये आ गए जी अपनी चावड़ी बाज़ार वाली पुलिया चाट। ये फ्रूट्स हैं बेसिकली, उसके अंदर ये चने हैं फ्रूट, और ऊपर से अनार डाला है, और मसाले हैं इनके। नज़र में ये एक फ्रूट चाट है। चम्मच का मुझे नहीं लगता कोई यूज़ है, ऐसे उठाओ और खा सकते हो। ये रही अपनी आज की कुलिया चाट। मेरी नज़र में ये कुलिया चाट एक नया वर्जन है फ्रूट चाट का। दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं सीताराम बाज़ार, और आपको अब ले चलने वाले हैं हम अपनी वीडियो की एंडिंग करने के लिए पुरेबल कुल्फ़ी। फ्रूट के अंदर ये कुल्फ़ी जमाते हैं, और बहुत ही स्वाद है इनकी कुल्फ़ी ऐसा मैंने सुना है, अभी टेस्ट करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज का लास्ट फूड जॉइंट हम कवर करने आ चुके हैं, कुरेमल कुल्फ़ी वाले। बहुत ही फेमस हैं ये, तो हम वीडियो की एंडिंग करना चाहते हैं कुछ मीठे के साथ, मैंगो कुल्फ़ी के साथ। आइए मेरे साथ। इसके बारे में बताइए, कितना पुराना जॉइंट है ये? 1906 से है। अच्छा, 1906 से? हाँ जी। तो तकरीबन कितने साल हो गए? 100 साल से ऊपर हो गए। तो बताएंगे अपने पास कौन कौन सी कुल्फियाँ मिलती हैं? स्टम में आपको लेना है, स्टम में मैंगो है, ऑरेंज है, अनार है, एप्पल है। नेचुरल फ्रूट के अंदर कुल्फी जमाते हैं? सीजनल फ्रूट होते हैं या किसी भी टाइम को कोई सा भी फ्रूट मिल जाता है? किसी टाइम पे कोई सा ले लो। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा बिकने वाली कुल्फी कौन सी है? सबसे ज़्यादा मैंगो ज़्यादा चलने वाला है। मैंगो? तो हमें मैंगो कुल्फी खिला दीजिए। उसकी कीमत क्या है, प्राइस क्या है? 250 है। 250? इसके अंदर ये स्टम मैंगो है, इसके अंदर से गुठली निकालते हैं। अच्छा। केसर पिस्ता का फ्लेवर रबड़ी भर देते हैं, रबड़ी भर के सील कर देते हैं, आटा लगा के ढक्कन को लगा के सील कर देते हैं, जमा देते हैं। अच्छा, और कौन से फ्रूट्स में मिलेगी कुल्फी? अनार है स्टम में, अनार है, ऑरेंज है, ऑरेंज है, एप्पल है। एप्पल तो हमें खिला दीजिए मैंगो कुल्फी। अच्छा, इसकी गुठली निकाल कर क्या फील किया जाता है इसके अंदर? रबड़ी केसर पिस्ता भरते हैं। रबड़ी केसर पिस्ता सभी के अंदर ये होता है? नहीं नहीं, एप्पल में केसर पिस्ता रबड़ी उसमें भी होती है, ऑरेंज में ऑरेंज का जूस क्रीम होती है। अच्छा, वो अनार में अनार का जूस क्रीम। तो इसमें मैंगो नहीं होता, वहाँ कुछ मैंगो भी होता होगा, गुठली निकाल कर बाकी मैंगो होता है? मैंगो केसर। ये कौन सी कुल्फी भैया? फालसा। फालसा तो ये है जी अपनी मैंगो कुल्फी। चलिए ट्राई करते हैं इसको। अभी मैंगो की स्टार्टिंग है, तो ये मैंगो खट्टा है, और इतना मज़ा मुझे तो सच बताऊँ इस कुल्फी में आया नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये कहीं इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, इफेक्ट 250 रुपये एक मैंगो का वर्थ नहीं लगा मुझे। तो इसका प्राइस मेरे हिसाब से होना चाहिए था मैक्सिमम 70-80 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं।
दोस्तों ये तो थी आज की हमारी फूड वॉक ऑल डेली की चांदनी चौक की। मिलते हैं आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो में।